सलमान ने कुछ दिनों पहले ही मुंबई में आयोजित ट्रिपल आर के इवेंट में बजरंगी भाईजान के सीक्वल की कंफर्मेशन की थी और कल सलमान ने अपने बर्थडे पर फिल्म के नाम का भी खुलासा किया। बजरंगी भाईजान 2 का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा और सीक्वल को बाहुबली फिल्म SS राजमौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद लिखेंगे और इन्होंने ही इसके पहले पार्ट की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। हालांकि अब इस पर SS राजमौली ने अपना बयान दिया है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक बजरंगी भाईजान 2 को लेकर राजामौली ने कहा, Yes, it was great. I'm happy that my father is writing the script. It's great. Everyone loves भाईजान. Everyone loves सलमान भाई as भाईजान. And बजरंगी adds to his persona. Forget everyone. I am eagerly looking forward to watching it. जाहिर है कि सलमान के फैंस की तरह राजामौली भी पवन पुत्र भाईजान के लिए एक्साइटेड है। वैसे बजरंगी भाईजान का डायरेक्शन कबीर खान ने किया था। फिल्म में सलमान सीधे सीधे हनुमान भक्त होते हैं जिसका नाम पवन है, लिहाजा इसके सीक्वल में सलमान खान का पवन पुत्र हनुमान जी की तरफ लगाव, श्रद्धा और आस्था की कहानी को इसमें फोकस किया जा सकता है। वैसे पार्ट 1 में सलमान के अलावा इसमें करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा जैसे स्टार्स थे। ऐसे में अब इसके पार्ट 2 में भी यही स्टार कास्ट होगी या फिर मेकर्स नए ट्विस्ट के साथ नई स्टार कास्ट को इसमें लेकर आएंगे, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। चलिए, सलमान खान अभी राजामौली के पिता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा भी दिन जरूर आए जब भाई और राजामौली किसी फिल्म के लिए साथ में काम करें। बात करें राजामौली की तो उनकी मशहूर फिल्म RRR 7 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसमें रामचरण, जूनियर NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे स्टार्स नजर आएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।